चलिए पहली बार दोस्तों हमारा फाउंडेशन के अंदर जो फिश है ना इनको खाने के लिए देते हैं। आ जाओ इस तरफ। ये खा लो, ये लोग दोस्तों फीड खाएगा, इतना डरता नहीं है। कम। तो देखते हैं ये लोग खाते हैं या नहीं। मैं यहाँ पर ही रहूँगा। वो लोग दोस्तों खाना खा रहे, ठीक है ना, क्या बात है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट्स ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छा होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं अभी ठीक हूँ। वाटर प्लांट्स को यहाँ से निकाल के दोस्तों फ्राइज के टैंक के अंदर रखना होगा। फिश हमेशा दोस्तों वहाँ पर और यहाँ पर रहता है, अभी से भी यहाँ पर ही है। जी देखिए टैंक ना काफी खूबसूरत लग रहे हैं, तो प्लांट्स को यहाँ पर रखता हूँ। हीटर दोस्तों कम कर रहे हैं, सो ये पानी ना काफी गर्म है, तकरीबन 28 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए फटाफट इन फ्राइज को खाने के लिए देते हैं। सभी फ्राइज बार बार ऊपर आ रहे हैं, एक्चुअली इनको जोर से भूख लगा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वाइट दिख रहे हैं ना, सभी ऊपर आ रहे हैं ना। चीज़ खा लो, हो जाओ। हाँ बहुत दे दिया, सभी दोस्तों मज़े के साथ खा रहे हैं। खाओ। तीन चार फ्राइज दोस्तों मर भी गया है जो नीचे है, शायद दिख रहा है। हमारा फ्राइज का टैंक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी दोस्तों ओरियो फ्लोरिया को खाना खिलाने का समय हो गया है, तो चलिए दोनों को एक साथ खाने के लिए देते हैं। फ्लोरिया नीचे उतरो, नीचे आ जाओ। फ्लोरिया नीचे आ जाओ। हाँ यहाँ पर मैं ऑलरेडी दोस्तों दोनों का खाना रेडी करके रखा हूँ। ये है हमारा फ्लोरिया के लिए, ये है ओरियो के लिए। तो यहाँ पर मुझे पेडिग्री फूड देना होगा और यहाँ पर दोस्तों हाँ फ्लोरिया का जो बिस्कुट है ना वो देना होगा। फ्लोरिया और थोड़ा देना होगा, हाँ इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों पेडिग्री फूड देना होगा। ओरियो इतना ही काफ़ी है। फ्लोरिया भूख लगी है, आ जाओ। अरे इस साइड आ जाओ, हाँ खा लो फ्लोरिया, इस तरफ चीज़ खाओ। आ जाओ। हाँ नहीं यार ये तुम खा लो, ये खाओ। ओरियो हमेशा फ्लोरिया का जो फूड है उस पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। देखिए दोनों कितना मज़े के साथ खा रहे हैं ना। दोनों के लिए हार्नेस ऑर्डर किया तो बहुत जल्दी आ जाएगा, तब दोनों को बांध के रखूँगा। काफी बदमाश हो गए हैं दोनों। अभी दोस्तों मंगो को हैंड ब्रेक करने का समय हो गया है, वो ना काफी जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। मंगो कम। आ जाओ। इस तरफ वो देखिए जोर जोर से बाइट कर रहे हैं, हाथ में आ जाओ। गुड, भूख लगने से इतना आवाज निकालते हैं। तो चार बार दोस्तों इसको मैं रोज हैंड ब्रेक करवाता हूँ, ये तो थर्ड टाइम है। चलो आ गया है, वॉच करो। मंगो जे पी लो, वेरी गुड, क्या बात, देखिए कितना शौक से पी रहे। पियो। हाँ तीन चम्मच से इसका पेट भर जाते हैं। हाँ और थोड़ा लेता हूँ। पियो। जल्दी। हाँ यार बकरी को क्या हुआ, काफी जोर जोर से आवाज कर रहे। गर्मा गर्म पिलाना पड़ता है, अगर ठंड हो जाते है तो दोस्तों ये नहीं पीते है। पियो। पी लो।
जब इसका पेट भर जाते हैं तब भी दोस्तों ये आवाज निकालते हैं, बहुत पी लिया। और दोस्तों नहीं पिएगा और पिलाने से ओवरफीडिंग हो जाएगा। अरे ये क्या है, इसको यहां से हटाता हूं। तुम यहां पर जाओ, आ जाओ आ जाओ, मांगो। फीड ना दिख रहा है, देखिए यार। चलो चलो हाथ में आ जाओ, हाथ में आ जाओ। इतना चिल्लाते क्यों हो, थोड़ा समय चुप रहो ना यार। घर में जाओ। यहाँ पर जो मुर्गी को अंडे दिए गए हैं ना दोस्तों, वो ना बटर के अंडे को खा जाती है यार। आज भी खाया है क्या यार, ये देखिए यहाँ पर बैठ के ये करती है ये। शिट, बाकी सब ठीक ठाक है या नहीं? बाकी अंडे दोस्तों ठीक ठाक है क्या यार, ऐसा क्यों करती हो तुम, बहुत बुरी हो। हैचिंग करो यार, हैचिंग करो ठीक है, और अंडे मत खाना। क्या यार ऐसा रिजल्ट मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं था, काफी बदमाश है वो मुर्गी। हाँ पर दोस्तों हमारा सफेद कलर की जो मुर्गी है ना, उसको बंद करके रखा गया है क्योंकि अंडे देती है, लेकिन आज ना अंडे नहीं दी है, ये तो डक के अंडे हैं। लेकिन दोस्तों हमारा लैला और लिली फिर से अंडे देना शुरू की है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारा लिली दोस्तों बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से एक सजेशन मांगा था कि फाउंटेन के लिए शार्क लाना है या नहीं, तो आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि फाउंटेन के लिए ब्लैक शार्क लाना है। तो अभी मैं दोस्तों ब्लैक शार्क लाने के लिए जा रहा हूँ, बुलक के साथ जुड़े रहे। आज पूल के लिए भी दोस्तों थोड़ा कुछ जो ग्रास कार्प है ना वो भी लाऊंगा। A few moments later. सभी फिश को दोस्तों व्यापारी ने होम डिलीवरी दी है, तो अभी काउंट किया जा रहा है। काउंट करने के बाद सभी फिश को हमारा जो बड़ा सा तालाब है ना वहां पर रिलीज करूंगा। बहुत सारे फिश ले आया दोस्तों, बहुत सारे। इन फिश को दोस्तों तालाब में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो जल्दी जाना होगा यार, इस तरफ से जाना होगा। चलिए चलिए जल्दी जाते हैं, उस तरफ जाके रिलीज करना होगा। मैं तालाब में आ गया हूँ, जल्दी इसको इनको रिलीज करते हैं। चलो चलो, हाँ देखिए कितना क्यूट क्यूट फिश है ना। चलो 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 उस तरफ, ज़्यादा पानी में जाओ, गुड। चलो और भी है, चलिए ये भी रिलीज करते हैं। जाओ 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 जाओ, बहुत अच्छे। ये है दोस्तों ग्रास कार्प, ये है दोस्तों ब्लैक शार्क जो हमारा पूल के लिए है। चलो जाओ, तो दोस्तों बहुत सारा फिश पूल के अंदर रिलीज कर दिया। तो 80 पीस है ग्रास कार्प ठीक है, और थोड़ा कुछ जो ब्लैक शार्क है वो भी दिया, फाउंटेन के लिए भी थोड़ा कुछ रखा। तो आप चलिए फाउंटेन की तरफ जाते हैं। इसके अंदर है दोस्तों हमारा फाउंटेन के लिए ब्लैक शार्क, तो आप चलिए इन ब्लैक शार्क को फाउंटेन के अंदर रिलीज करते हैं। आ जाओ आ जाओ, चार में रख दिया फाउंटेन के लिए। अरे अरे क्यों हुआ, चलो चलो जाओ, चलो चलो चलो, गुड। और दो है, अरे 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 नहीं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर आराम से रहना ठीक है। चलो जाओ, गुड। और दो गोल्डन कार्प भी दिया, वहाँ पर है टोटल 6 था, अब दोस्तों 8 गोल्डन कार्प है, दिख रहा है ना वहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगेगा है ना। तो अभी का भी दोस्तों फाउंटेन के अंदर पानी भरना है, क्योंकि पानी का लेवल जो है ना कम कर दिया था, तो अभी बढ़ाना होगा क्योंकि बहुत सारे फिश हो गए यहाँ पर है ना। फाउंटेन का जो मोटर है ना दोस्तों वो मैं ऑन कर दिया, धीरे धीरे पानी दोस्तों ऊपर आ रहे,
देखिए सबसे पहले ये जो टैंक है ना ये भरेगा, उसके बाद यहाँ से पानी गिरेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। वहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से भी आएगा। ये देखिए, और सभी फिश दोस्तों इसके पास ही रहता है। ये आ रहे देखिए, और वहाँ से उस तरफ जा रहे। सभी फिश दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, तो अब चलिए फार्म पर जाते हैं। इस वक्त हमारा बटर दोस्तों अंडे देती है। तुम दोनों क्यों डर रहे हो? हाँ, ऐसा लगता है कि गिली फॉल आपस में लड़ाई की है, काफी फर निकाली है, दिख रहा है ना यहाँ पर। ये देखिए, और बटर ने तो एक अंडे दी है, उस तरफ एक भी अंडे नहीं है। देखिए, और हमारा रानी अंडे हैचिंग कर रही है। क्या हुआ, आपस में क्यों लड़ाई करते हो तुम लोग, काफी बदमाश हो। राजा बाहर निकलना है। ये सेटर की दोस्तों काफी फीड खाते हैं, और इनका ग्रोथ देखिए काफी बड़ा बड़ा हो गया है। आज भी मुझे घर में जाना होगा, क्योंकि फीड जो है ना खत्म हो गया है। तो दोस्तों यही था इसका छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूं सभी को पसंद है, पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करना, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। बाय बाय।